स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। हम लोग अभी फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं हम लोग का, जिसमें कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, इसका पहले एक वीडियो मैंने दे दिया है जिसमें मैंने फोर कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला आपको बताया है। ओके, अब हम लोग देखें यहाँ पे है, ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बता दिया है, H2O2 बता दिया है, HNO3 बताया है, SO2 बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे H2SO4 और H3PO4 का। इन दोनों को आप सीख लें, फिर आपको बनाना खुद से खुद आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लें एक बारी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, H2SO4, ठीक है। पहला रूल, सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, अपना ड्यूएट कंप्लीट करता है, यानी हाइड्रोजन को कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका ड्यूएट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ड्यूएट कंप्लीट करता है ये, फाइन। अब क्या है, सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 16, एटॉमिक नंबर 16, तो इसका क्या हुआ कॉन्फिग्रेशन, 2, 8, 6। ओके, तो देखिए आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बाहर से इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ओवरऑल कंप्लीट करेगा क्या, ऑक्टेट। ओके, नाउ ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे, 8, तो इसका भी होता है 2 और 6, इसको भी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए और इसका भी कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट। ये एक रफली आपने डायग्राम बना लिया दिमाग में कि इतना इतना शेयरिंग होना है, ठीक है। अब हम लोग इसका स्केलेटन बनाते हैं, तो इसमें क्या है, सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इसको एस को बीच में आप रखेंगे, एस को बीच में रखा, ओ फोर है बच्चे, तो ओ ओ ओ एस के चारों तरफ ओ को फैला दिया। अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, तो किसी 2 ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दिया, एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया आपने। अब आपका काम है क्या, स्केलेटन में इलेक्ट्रॉन को भरना। तो देखिए सबसे बड़ी बात, सल्फर है ये, तो सल्फर के पास क्या है, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे, 1 डाला, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालें, बचा हुआ जो है 5, 6, फाइन। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इसका भी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, इधर से एक शेयरिंग करेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक इधर से इसका हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप देखें, यहाँ मैं दिखा रही हूँ इसे डॉट से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, ठीक है। तो आप देखिए ये ऐसे कवर करेंगे आप, तो हाइड्रोजन ने ड्यूएट कंप्लीट किया, और उसके बाद इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखें आप, ऐसे इस तरीके से करेगा तो आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, फाइन, हो गया। जस्ट लाइक सेम चीज़ इधर आप रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रेस्ट बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ डाल दिए, ऑक्सीजन के अराउंड हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन बांटा ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, उसी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चे, उसी इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला में, ठीक है। इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं, आउटर मोस्ट वाले को ही लेते हैं, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर ऑक्सीजन आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ शेयरिंग कर लेगा, तो ये हमारा ड्यूएट कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ आप सल्फर को देखें, सल्फर पे क्या है, सल्फर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सल्फर ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, देखें आप, ठीक है। तो देखिए अब बात है कि इस ऑक्सीजन, इन लोगों जो ऑक्सीजन बचा हुआ है इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो सभी को कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी सबको चाहिए बच्चे, है ना, तो स्टेबिलिटी के लिए इसको ऑक्टेट चाहिए, तो सल्फर अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर इसको नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर कंप्लीटली दे देगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका खुद का ऑक्टेट फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट बना रह जाएगा और इसका भी ऑक्टेट रह जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, यानी हम लोगों ने क्या देखा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों का 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो फाइनली हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा बन के तैयार हुआ, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S,
सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो जुड़ा है उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन आप डाल दें, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया क्या, H2SO4, ठीक है। H2SO4 का फॉर्मूला हम लोगों का हो गया ये, ठीक है। ये देखिए H2SO4 का ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बन गया। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे अपना बचा हुआ H3PO4, ओके। तो चलिए H3PO4, सबसे पहली बात मैंने H का यहाँ बताया हुआ है, इसको ही देखें, ऑक्सीजन का यहाँ बताया हुआ है उसको देखें। अब हम लोग सिर्फ फास्फोरस का लिखेंगे क्या, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, अब 15 होता है तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 8 5 हो गया, 2 8 5 हो गया हम लोगों का। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्या इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर लेगा तो ये कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट, ओके। तो चलिए इन सब में क्या है, पी ही सेंटर में रहेगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रो निगेटिव है, ठीक है। तो फास्फोरस हो गया हमारा, बीच में ओ फोर है, तो फिर जस्ट सेम काम कीजिए जैसे उसमें किया था, ओ डाला चारों तरफ से, ओके। और हाइड्रोजन 3 है तो 3 के पास हाइड्रोजन डाल दीजिए, 3 ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन को डाल दिया। अब बारी आती है इसको कंप्लीट करने की। अब आप देखिए एक ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन ना चाहिए बाहर से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट इसका, समझिए 6 है, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, 8 हो गया। जस्ट सेम काम कीजिए इधर भी, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग, इधर से भी शेयरिंग करेगा और यहाँ भी उसी तरीके से करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से इधर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इधर से लेगा। देखिए कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, सारे जगह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डालिए, ठीक है। अब फास्फोरस की बारी है, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बचा हुआ रेस्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ डाल दिए। फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन आपने डाला। अब आप देखें इस तरीके से, ये तो हाइड्रोजन समझते हैं आप ड्यूएट कंप्लीट करेगा, और ये जब आप ऐसे देखेंगे तो क्या आपने देखा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हुआ कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, फाइन। जस्ट उसी तरीके से आप इधर भी करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट, और इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए फास्फोरस को भी ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, फास्फोरस ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है बच्चे, फास्फोरस ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, जब फास्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो आप पहले वीडियो को जरूर से देखें, पहले वीडियो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में अच्छे से बताया है बच्चे, कि ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जब आपकी कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सेंट्रल एटम है फास्फोरस, यही देगा दूसरे को, अपने टर्मिनल पे प्रेजेंट एटम्स को वो इलेक्ट्रॉन करेगा, शेयरिंग करेगा। तो देखिए फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का बेचारे का भी तो 6 ही है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा। तो क्या हुआ, फास्फोरस का भी ऑक्टेट रह गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। फाइनली बना क्या मेरा, एच सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड पी, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपका ऑक्सीजन जुड़ा है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनके रेडी हो गया क्या, H2SO4 और H3PO4। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चे, प्रैक्टिस कर लें इसका ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, अपने से बनाएं इसको, देखें बना के कैसे सिखाया गया है आपको, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।